नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका हमदर्द डॉक्टर सचिन तोमर आज फिर आपके सामने एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जिस बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, इससे परिवार में कोई ना कोई सदस्य उससे अफेक्टेड है। मैंने यहाँ तक देखा कि पूरा परिवार उससे अफेक्टेड है, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं शुगर और डायबिटीज। अब मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताऊंगा, डायबिटीज के क्या कारण है और आप इससे क्या कैसे बच सकते हैं, और आपको मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। और मैं ये आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी अच्छी बताऊंगा कि आपको किसी भी वीडियो में या किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरा खुद का फॉर्मूला है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही है, इंटेंशन नहीं है कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चक्कर काटने की कोई जरूरत ना पड़े, ना किसी लाइन में लगने की जरूरत पड़े, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आप यदि उसको 5-6 महीने कंटिन्यू उसको इस्तेमाल करेगा, तो मेरा दावा है कि आप डायबिटीज जैसी बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई आपको शुगर बिल्कुल बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसके बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, क्योंकि यदि आप इसको करोगे तो मैं जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज है कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डायबिटीज कैसे होता है। इसका जो सबसे मेन कारण है वो हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि कारण होता है। पैनक्रियाज ग्रंथि में बहुत तरह के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन सबसे जो मेन हार्मोन है उसमें इंसुलिन और ग्लूकोन, ये मेन हार्मोन है। इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है, इंसुलिन क्या करता है, हमारी ब्लड में हमारे जो ब्लड सेल्स होती है या हमारे जो शरीर के अन्य भाग हैं उनकी सेल्स में ग्लूकोज को पहुँचाता है, जिससे कि जब भी इंसुलिन का कम निर्माण होगा तो उसमें क्या होगा कि जो शरीर है, शरीर के सेल्स हैं, उन ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और जब डायबिटीज होती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी शारीरिक क्रिया है उसका लेवल कम हो जाता है। और तो जब डायबिटीज होती है तो शारीरिक क्रिया कम होने के कारण शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि पेशाब में के रास्ते एक्सक्रीशन होता है, बार बार पेशाब आता है। इसलिए आपने देखा होगा जिसको भी डायबिटीज है उसको बार बार पेशाब होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है और ये जमा होने लग जाता है सेल्स में हमारे। जो नेक्स्ट रीजन है मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी की इसका मेन रीजन है, जहाँ जिसको ओबेसिटी है तो उसको 90% डायबिटीज होने के चांसेस पूरे हैं, इसलिए अपने वेट को थोड़ा कंट्रोल करना। नेक्स्ट है एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन हुई है, या आप एल्कोहल ले रहे हो, या कोई ड्रग्स ले रहे हो, या कोई धूम्रपान कर रहे हो, इससे क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, जिससे कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और हाँ, क्या आप जानते हैं जो रोगी बीपी की दवाई ले रहा है उसको डायबिटीज होने के पूरे चांस हैं, और जो डायबिटीज की दवाई ले रहा है उसको बीपी होने के बहुत चांस हैं, 90% चांस हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टाइल। जो हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हर टाइम बैठे रहते हैं, सीटिंग जिसकी ज़्यादा है उसको डायबिटीज होने के पूरे चांस हैं। नेक्स्ट है फास्ट फूड। जितने भी फास्ट फूड है आजकल जो मार्केट में मिल रहे हैं, वे एक तरह से जहर है, और जाकर भी क्या कर रहे हैं, इंसुलिन का जो फंक्शन है वो कम कर रहे हैं, इंसुलिन का निर्माण कम कर रहे हैं। और एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है, शुगर बहुत हाई मात्रा में होता है, और जितने भी फूड है जो एकदम तैयार हो जाते हैं उसमें भी डायबिटीज होने की पूरे चांस हैं। अब आप डायबिटीज जैसे रोग से कैसे बच सकते हैं, इसके बचाव के मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें सबसे पहले आप हेल्दी फूड, अपनी डाइट में जितना हो सके आप हेल्दी फूड खाइए, जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, उनको अपनी प्लेट से दूर कर दीजिए। इसका सबसे अच्छा आपको बचाव बता रहा हूँ, जितना आप हेल्दी फूड खाओगे आप डायबिटीज से उतना ही दूर जाओगे। सेकेंड है फिजिकल एक्सरसाइज, जितना आप अपनी बॉडी को हिलाओगे डुलाओगे उतना ही आपको डायबिटीज से दूर हो जाओगे। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करिए, चाहे आप कोई सी भी एक्सरसाइज कीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जिम में जाइए, लेकिन अपनी बॉडी को जितना हो सकता है आपको हाथ पैर हिलाने हैं, इससे आप डायबिटीज से बहुत दूर चले जाओगे। तीसरा है वेट रेड्यूस, अपना वजन को कम करिए, ओबेसिटी बिल्कुल ना हो, वजन आप बिल्कुल ना बढ़ने दें, अपने बॉडी को मेंटेन रखें, अपने वेट को मेंटेन रखें। नेक्स्ट है अपना बीपी अपना रेगुलर चेक कराते रहना, अपने बीपी को आप कंट्रोल रखें, हाई बीपी ना होने दें। नेक्स्ट है कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिससे कि आप यदि आप लोग हैं तो आप इन फ्यूचर में आप डायबिटीज से बच सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको जो मैंने ऊपर बताया ये भी आपको करना है। क्या लक्षण है कि आप कैसे पहचानो कि आपको डायबिटीज है या नहीं है, इसमें जो सबसे पहला मेन लक्षण है वेट लॉस। जिसको भी डायबिटीज के सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले आता है वेट लॉस।
डायबिटीज में सबसे पहले वेट लूज होना चालू हो जाता है, धीरे 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 वजन कम होना चालू हो जाएगा। सेकंड है पैसा, बार बार पैसा करने की आदत होगी, थोड़ा 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 बार बार पैसा आए, चाहे वो दिन में आए चाहे रात में आए। प्यास लगेगी, थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगेगी, थोड़ा पानी पीने की इच्छा होगी चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, बार बार प्यास लगेगी, भूख लगेगी थोड़ी थोड़ी देर में, जो पेशेंट है वो बार बार कहेगा कि मुझे भूख लग रही है, चाहे वो आप नमकीन मांगे या मीठा, लेकिन उसको भूख लगेगी। एक है विजन, जिस पेशेंट जिसको डायबिटीज है उसको विजन की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको थोड़ा धुंधलापन चमकने लगेगा और उसको साफ नहीं दिखाई देगा। जिसको भी डायबिटीज है उसको वाउंड हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा। यदि कहीं भी किसी डायबिटीज पेशेंट को कोई घाव होता है तो उसको हील होने में, उस घाव को भरने में समय लगता है। नेक्स्ट है स्किन, इची स्किन हो जाएगी, जहाँ पर हाथ हो या पैर हो या पूरे शरीर पर इचिंग होने लग जाएगी, छोटे छोटे दाने होने लग जाएंगे और उनमें खुजली होनी चालू हो जाएगी। ये मेन लक्षण है। अब जिसको डायबिटीज है और उसको इन फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, उसमें सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होगा उसमें जो वाउंड हीलिंग है, अल्सर है, उसके चांसेस ज़्यादा हो गए और हीलिंग होने में बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है हाथ पैर में दर्द, उनके जो बॉडी है उनमें दर्द रहना चालू हो जाएगा और सबसे ज़्यादा दर्द होता है कंधों में, जिसे हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। हाथ पैर तो में दर्द तो होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा कंधों में दर्द होगा। नेक्स्ट है रीनल फेलियर, किडनी के फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा हो गए, लीवर फेलियर के चांस होने के चांस ज़्यादा रह गए, हार्ट फेलियर के, उनको हार्ट अटैक आने के बहुत चांस रह गए। जिसको भी डायबिटीज है सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं और हाई बीपी, हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। अब इसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जिससे पता चल जाए कि डायबिटीज है या नहीं है, इसमें सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं तीन कैटेगरी में आपको बांटूंगा। एक तो होता है नॉर्मल, नॉर्मल जिसको होगा उसको होगा 80 से 110 के बीच में, ये होता है फास्टिंग, जो नॉर्मल की बता रहा हूँ मैं आपको, फास्टिंग बता रहा हूँ 80 से 110 के बीच होगा। फिर होगा खाना खाने के बाद, खाना खाने के दो घंटे बाद वो होगा 120 से 140, ये है नॉर्मल रेंज। सेकंड है प्री डायबिटीज, प्री डायबिटीज है जिसको डायबिटीज आने से पहले ही पता चल जाता है कि हाँ मुझे डायबिटीज इन फ्यूचर हो जाएगी, इसमें जो नॉर्मल होगा वो होगा 101 से 125 के बीच, और जो खाना खाने के बाद होगा 140 से 160 के बीच। फिर है डायबिटीज, जिसको डायबिटीज है उसमें कितने रेंज हो गए, ये फास्टिंग है 126 प्लस, 126 से यदि किसी को ऊपर है फास्टिंग में तो 100% डायबिटीज है। और जिसको खाना खाने के बाद 200 से प्लस आ रही है दो घंटे बाद, तो उसको भी 100% डायबिटीज है। इससे हम इन कैटेगरी से पता चल जाएगा कि हमको डायबिटीज है या नहीं है। इसके अंदर और भी टेस्ट है जैसे KFT है, LFT है, CBC है और ECG, इन टेस्ट के थ्रू बता सकते हैं कि डायबिटीज है या नहीं है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, और जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा यदि आप इनको यूज करोगे, मेरा मानना है, मेरा दावा है 100%, आप इससे बिल्कुल 5 से 6 महीने में या ज्यादा साल भर लग सकता है, आप डायबिटीज जैसी बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फॉर्मूला है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर अपना फॉर्मूला नहीं बताता, लेकिन मैं आज आपको अपना फॉर्मूला बता रहा हूँ। मैंने कितने ही पेशेंट को ये फॉर्मूला दिया है और बिल्कुल ठीक हुआ है, आज तक एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा कि सर। और सबसे बड़ी बात है एक हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाता है। किसी की यदि डायबिटीज 300 है, 400, 500 तक डायबिटीज जिसकी है, मैंने एक हफ्ते में उसको कंट्रोल किया है। आप इन मेडिसिन को अपने किसी भी फार्मेसी पे जाइए और लीजिए, आप इनको नोट आउट कर लीजिए। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है, 5 मेडिसिन है, सबसे पहले मेडिसिन है आपकी आर्सेनिक ब्रोम। आर्सेनिक की जो जितनी भी मेडिसिन है आपको मदर टिंचर में लानी है, आर्सेनिक ब्रोम भी आपको मदर टिंचर में लानी है। सेकंड है एब्रोमा ऑगस्टा, ये भी आपको मदर टिंचर में लानी है। थर्ड है एसिड फोस, ये भी मदर टिंचर में लानी है। और फोर्थ है सीजियम जेम्बोलम, ये भी आपको मदर टिंचर में ही लानी है। पांचवी है यूरेनियम नाइट्रिकम, ये भी आपको मदर टिंचर में लानी है। ये आप 5 मेडिसिन है, इनकी आप 30-30 ml ला सकते हैं या 100 ml भी ला सकते हैं। तीनों पांचों मेडिसिन को आप आधा कप पानी लेना है और पांचों मेडिसिन की 10-10 बूंद डालनी है आधे कप पानी में, और ये आपको दिन में 3 बार लेनी है। इसको आप कंटिन्यू रखना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक हफ्ते में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक हफ्ते में आपको हर तरह से रिजल्ट आ जाएगा।
मैंने इस वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, क्योंकि यदि मैं इस टॉपिक में बात करूंगा तो 1-2 घंटा चाहेंगे एक दिन भी निकल सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताया है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपके समझ में आ जाए, और अपना ये फॉर्मूला बताया है, क्योंकि मेन इसका फॉर्मूला है। डायबिटीज के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, चाहे आपके घर में हो चाहे आपके पड़ोस में, कहीं ना कहीं इस बीमारी से कोई ना कोई जूझ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरी तरह से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक दोस्तों पे जितना हो सकता है फैला दें, क्योंकि जितनी हो सके मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि आपको स्वस्थ रखने की, आपको खुश रखने की, और यही मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरा पर्पज है वीडियो बनाने का, उसमें मैं सफल हो सकता हूँ। नमस्कार।